Hey, what's up guys, welcome back to the channel। तो फ्रेंड्स यार आज की इस वीडियो में आप देख सकते हो भाई हमने फाइनली अपनी फॉर्चुनर लेजेंडर को अपने इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3D गेम में यार ऐड कर ही दिया है। एंड आज की इस वीडियो में आपको पूरा इसका फुल टू फुल रिव्यू देने वाला हूँ किस टाइप से यानी कि वर्क करती है यानी कि और भाई वही सब कुछ यानी कि। तो भाई वीडियो में एंड तक बने रहना और अभी तक आपने अगर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते। तो गाइस यार देखो अभी तो अपन ने फाइनली अपनी फॉर्चुनर लेजेंडर को ऐड कर दिया है, लेकिन यार इसमें अभी फॉर्चुनर की जो मॉडिफिकेशंस है ना, जो मैंने आपको बताया था ग्रिल चेंज करने वाली और भाई टायर चेंज करने वाली, तो भाई वाली जो मॉडिफिकेशंस है वो अभी बाकी है फॉर्चुनर वाली। अभी सिर्फ कह सकते हो तो यार फॉर्चुनर लेजेंडर ऐड हुई है, फॉर्चुनर की मॉडिफिकेशंस ऐड होना बाकी है, थोड़े बहुत यार ऑप्टिमाइज करना भी बाकी है, अभी थोड़ा सा हल्का सा यानी कि वैसे फुल टू फुल ऐड कर दिए है। बाकी गाइस यार ये कार ना यार भाई इतनी स्पीड इतने फास्ट में स्पीड बना रही है ना भाई, एकदम से ही जैसी एक्सीलेटर पे पैर रखो यानी कि हाथ रखो यार भाई फट से स्पीड बना लेती है यार। भाई ब्रेक बहुत स्लो लग रही है इसके, तो भाई ब्रेक की तो प्रॉब्लम हम अभी सॉल्व कर देंगे वैसे यार, लेकिन अभी स्पीड की यार क्या ही कर सकते, स्पीड को कम भी कर सकते वैसे चाहे तो। तो गाइस यार अब देखो यार एक बार साइड लुक बैक लुक भाई बताओ आप कैसी लग रही है आपको ये अपनी फॉर्चुनर लेजेंडर। इसमें यार अब थोड़ी दिन में यानी कि फॉर्चुनर की मॉडिफिकेशन से ऐड हो जाएगी एंड उसके बाद में बाकी हमारे पास में बच जाती है ओल्टो 800। तो गाइस यार ओल्टो 800 को अभी हम कम्प्लीटली ऐड कर देंगे यानी कि ओल्टो 800 को भी भाई, अब फॉर्चुनर का काम तो खत्म हो गया है। तो भाई इसके बाद में फॉर्चुनर के बाद में अब ओल्टो 800 की बारी है, अब भाई ओल्टो 800 को ऐड करने का काम सिलसिला चालू रहेगा यानी कि अपनी लास्ट कार एंड उसके बाद में यार कार मॉडिफिकेशन से ऐड करना है सभी कार जो अपनी ओल्ड कार है उनकी, एंड उसके बाद में हम फाइनली अपडेट दे देंगे अपने इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3D गेम में यार फाइनली अपडेट मिल जाएगा। एंड उसके बाद में फिर फार्मिंग मोड के ऊपर यार अपन काम चालू करेंगे यानी कि जो अपना फार्मिंग मोड है ना इसकी भाई मैक्सिमम ब्रेक को देखो भाई 3000 कर दिया भाई, स्पीड यार 500 का टॉर्क है इसमें इसलिए इतनी फास्ट स्पीड ना रही एक बार देखो यार। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यार फोर्ड एंडेवर यार इतनी हेवी गाड़ी लग रही है भाई, इतनी ज़्यादा पावर है उसमें ना, तो गाइस यार वो है अपनी पावर के हिसाब से एंड ये है अपनी स्पीड के हिसाब से, दोनों कार का अलग अलग कंपेरिजन है यानी कि दोनों का कंपेरिजन नहीं कर सकते अपन भाई पावर में। भाई मेरे ख्याल से तो बराबर के यानी कि फॉर्चुनर लेजेंडर उसको बराबर की टक्कर नहीं देने की, क्योंकि फोर्ड एंडेवर में बहुत ही ज़्यादा पावर है यार। बट बाकी यार टोचन मोड में जब हम ऐड करेंगे तो आपको दिखाई देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।